हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज राइट। तो ये टॉपिक है आज, अभी इस लेक्चर का, इस वीडियो का। ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या डेफिनेशन है? प्लस माइनस बड़ा सिंपल है बेटा। कोई भी बच्चा समझना चाहता है, किसी भी सीरीज में प्लस माइनस आ रहा है तो जैसे कि सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन ए एन, इस तरह की सीरीज को ऑल्टरनेटिंग बोला जाएगा। ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस एस ए। ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो पॉजिटिव टर्म्स है तो ए एन जीरो होना चाहिए और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप ये आराम से देख के पहचान जाएंगे स्टूडेंट की कोई भी सीरीज ऑल्टरनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगेगा? उसके लिए हमारा फेवरेट टेस्ट है बेटा, इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं या ये लेबनीज टेस्ट के नाम से भी फेमस है। इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट बोलते हैं इसको, लेबनीज टेस्ट बोलते हैं बेटा, है ना। इसकी क्या स्टेटमेंट है देखिए, लेट सीरीज बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज एन माइनस वन ए एन बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ कैसे टर्म्स है बेटा, पॉजिटिव टर्म ऑफ पॉजिटिव। तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव। जब भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स की तो बात तो समझ में आ गई आपको कि ए एन जीरो से बड़ा होगा, मतलब सारी टर्म जीरो से बड़ी होंगी। सपोज दैट ये बात जो मैं लिखने जा रहा हूं वो खास है बेटा। अगर सपोज दैट नंबर वन, अगर सीक्वेंस ए एन इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी चलेगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म बड़ी बराबर है सेकंड से, बड़ी बराबर है थर्ड से, ऐसे हाँ जी बड़ी बराबर डिक्रीजिंग। और दूसरा, अगर मैं अप्लाई करूं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन और जीरो आ जाए तो बेटा then series converges, then series this alternating series converges। तो अपने को तो तीन ही बातें चाहिए बस, एक बात छिपी हुई है वो दिख नहीं रही। आप बोलोगे सर दो तो लिखी है आपने बातें, अरे पहली बात ये है ना सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ये बता दो, डिक्रीजिंग बता दो और लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी करने पे जीरो आ जाए। लेकिन इसमें से कुछ एक भी फेल हो जाएगा तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। तो लेबनीज टेस्ट कहता है कि कोई भी सीरीज अगर अल्टरनेटिंग है वो कन्वर्ज कब करेगी? फर्स्ट डिक्रीजिंग होना चाहिए उसकी सीक्वेंस और लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी करने पर जीरो आएगा तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, राइट बेटा। तो बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज पे, है ना, फिर उसके बाद उसके प्रूफ पे आएंगे, प्रूफ पे बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल वन, 1 माइनस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 13। हाँ जी, क्या ये सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है? यस बिल्कुल है बेटा। तो प्लस माइनस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो nth टर्म, तो क्या मैं इसको माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 nth टर्म क्या बोलूँ? ऊपर तो 1 है, नीचे 1, 5, 4 का डिफरेंस है, 4n, और चार में से क्या माइनस करोगे? वन आ जाए, थ्री, दिस इज फोर एन माइनस थ्री। तो ये सीरीज में ना बेटा, ये यहां पर ए एन क्या हुआ आपका? वन अपॉन फोर एन माइनस थ्री, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ओके, ये पहली बात हो गई। अब डिक्रीजिंग, वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है मेरे बेटा? दैट द सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये आपको याद हो बच्चों, कभी भी मैंने मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम सिखाई थी
तब भी मैंने ये तरीका बताया था, तो आप ए एन प्लस वन ले लो, nth टर्म में n प्लस वन लगा दो, तो क्या यहाँ 4n प्लस वन आ जाएगा? यस आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 4n माइनस थ्री छोटा है ना 4n प्लस वन से? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नॉट? यस, तो वन अपॉन कर दो, तो वन अपॉन 4n माइनस थ्री क्या बड़ा है वन अपॉन 4n प्लस वन से? यस दिस इज ट्रू। सो दिस गिव्स दैट द nth टर्म इज ग्रेटर देन द n प्लस वन टर्म, देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो बताओ भाई बच्चों, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है? हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है। अगर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन तो पहले ही चेक करनी है आपको। अच्छा ये हम पढ़ रहे हैं अपने मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, अगर यही चीज एंट्रेंस के लिए पढ़नी होती तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं शॉर्टकट में बताया था आपको चीज, तो उसका भी इंतजार करो आप, आएगा शॉर्टकट की बारियां भी आएंगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ट्राई करें लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन, तो आपका ए एन तो 4n माइनस 3 है बेटा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन 4n माइनस एन विच इज जीरो, तो देयरफॉर दिस सीरीज माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 1 अपॉन 4n माइनस 3 कन्वर्जेस बाय लेबनीज टेस्ट। तो लेबनीज टेस्ट से सीरीज क्या कर रही है मेरे बेटा, कन्वर्ज कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों सबको। हाँ जी एग्जाम्पल 2 लिखिए मेरे सामने अभी आप, एग्जाम्पल 2 फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 एंड गोज लाइक दिस। तो पहले बताओ, सबसे पहले दिख रहा है प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेटिव सीरीज है, तो क्यों ना हम इसकी nth टर्म निकाल लें। ओके 1 3 5, तो 2n माइनस 1, 2 4 6, 2n राइट, ये nth टर्म आ गई बेटा। अच्छा जी तो ये तो जीरो से बड़ा ही है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, सब जीरो से बड़ा है ना, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके अब आपको क्या दिखाना है, ये डिक्रीजिंग है, तो स्टेप वन आपको टू शो करना है कि सीक्वेंस ए एन इज डिक्रीजिंग, यू हैव टू शो दैट द सीक्वेंस ए एन इज डिक्रीजिंग राइट। तो बड़ा आसान है भाई, आप पहले ए एन प्लस वन लिखो जरा एक बार, तभी आपको पता चलेगा चीजों का। तो n की जगह n प्लस वन लिखोगे तो ये 2n प्लस n को n प्लस वन लिखा, 2n प्लस वन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2n प्लस टू आ गया, तो ये ए एन टर्म आ गई, ए एन प्लस वन टर्म आ गई। हाँ जी ये बंद कर देना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2n माइनस वन छोटा है 2n प्लस वन से? बिल्कुल छोटा है सर जी। क्या 2n छोटा है 2n प्लस 2 से? बिल्कुल छोटा है। तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं 2n माइनस 1 का 2n से, तो क्या वो छोटा होगा 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2? करेक्ट है बिल्कुल। तो अगर मैं 1 अपॉन कर दूं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2n माइनस 1 और ब्रैकेट में 2n, तो ये बड़ा होगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 राइट। तो इसका मतलब यहां से ये बात साफ साफ जाहिर हो गई कि an बड़ा है किससे बेटा, an प्लस 1 से, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल राइट, देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो देखो हमारा स्टेप 1 बच्चों सेटिस्फाई हो गया कि सीक्वेंस an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब स्टेप 2 क्या था, लिमिट एंड टेंस इनफिनिट लगाना और चेक करना कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नाउ अप्लाई लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 और 2n, तो ये जीरो आ रहा है बेटा, देयरफॉर
सीरीज माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन ए एन कन्वर्जेस बाय लेबनीज़ टेस्ट। क्या समझ में आ गया बच्चों? बहुत इजी था, एकदम से क्लियर कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? इतनी आसानी से हमने आंसर को शो कर दिया कि लेबनीज़ टेस्ट से क्या करेगी बेटा, कन्वर्ज करेगी। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर थ्री टू। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा सा, है ना। सीरीज एन वेरी फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन वन अपॉन एन लॉग एन की पावर पी। लो भाई, पहले तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन है, तो ये ऑल्टरनेट सीरीज तो है बच्चों, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये ऑल्टरनेट सीरीज है। तो सबसे पहले ए एन बताओ बच्चों, ए एन क्या है इसका? लो जी सर बता दीजिए, एन लॉग एन की पावर पी। ओके, और वो जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये मैं पहले भी कई बार शो कर चुका हूँ और आपको याद होना चाहिए कि टू, हाँ टू बड़ा है ना वन से, और log 2 बड़ा है log 1 से, और log 1 तो 0 है, तो देखो ये 0 से बड़ा हो गया ना ऑटोमेटिकली। मैं तो पहले ही कह चुका कई बार आपको ये बात, खैर ये कई बार पहले भी मैंने कई क्वेश्चंस में दिखाया होगा एक्सप्रेशन कि ये 0 से बड़ा कैसे है। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप वन ऑफ आवर्स। स्टेप वन क्या शो करना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो क्या मैं एन प्लस वन टर्म लिख लूँ बेटा? मैं लिख ली वन अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन की पावर पी। ओके, वो भी जीरो से बड़ा है। अब चलिए कंपेयर करते हैं, इसका एन, इसका एन प्लस वन, तो क्या एन छोटा है एन प्लस वन से? बिल्कुल छोटा है। तो बेटा दोनों तरफ लॉग लगाऊंगा तो वो भी तो छोटा होगा, और उसकी पावर p लगाऊंगा तो वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन p जीरो से बड़ा है मेरा। तो क्या इन दोनों बातों से ये जाहिर है कि n log n की पावर p इज लेस देन n प्लस वन log n प्लस वन की पावर p फॉर ऑल n, राइट? तो दिस इंप्लाइज वन अपॉन n log n की पावर p वन अपॉन n प्लस वन log n प्लस वन की पावर। तो इसका मतलब an जो है वो बड़ा है an प्लस वन से। तो ये तो काफी है ना प्रमाण ये बताने के लिए बेटा कि ये डिक्रीजिंग है, करेक्ट है? तो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप कि an इज डिक्रीजिंग क्योंकि an बड़ा है an प्लस वन से। अब सेकंड स्टेप क्या दिखाना है? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी बेटा। तो सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग, लेट अस शो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या आना चाहिए आंसर, आप ही बता दीजिए आराम से। अरे जीरो ही तो आएगा मेरे बेटा, क्योंकि nth टर्म पे लगाना है ना, और nth टर्म है क्या हमारी, वन अपॉन एन लॉग एन की पावर पी विच इज जीरो। देयरफॉर बाय लेबनीज़ टेस्ट सीरीज ए माइनस वन टू द पावर एन कन्वर्ज। ओके, बहुत इजी था, आराम से समझ में आया होगा बच्चों आपको कि कैसे कन्वर्ज कर रहा है ये माइनस वन टू द पावर एन एन। यहाँ पर एन टू से इन्फिनिटी था बेटा। ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन राइट, है ना। एग्जांपल नंबर फोर, फोर और थ्री, आई थिंक वी शुड गो बैक। ओके, थ्री था, हाँ फोर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आपका वन से इन्फिनिटी है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन है, वन अपॉन
अंडर रूट एन टू द पावर फाइव है अंडर रूट एन प्लस वन की पावर भी है ना। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ए एन प्लस वन वन अपॉन रूट, अरे पहले एन तो लेट कर लें, बच्चों को दिक्कत ना हो जाए कहीं सर सीधा छक्का मार रहे हैं। चलो ये सीरीज है, बताओ पहले इनफाइनाइट सीरीज है क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या? यस अल्टरनेटिंग सीरीज है। ए एन क्या है आपके सामने है? ए एन भाई अच्छा जी, ए एन प्लस वन क्या हो गया फिर आपका? ये हो गया आपका एन प्लस वन राइट, ये ए एन है और ये ए एन प्लस वन है ना। अब देखो सबसे पहला स्टेप तो ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स तो है ही, ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको। अब हमें बात करनी है स्टेप वन पे, कंपेयर करना है इन दोनों को कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो बताओ एन टू द पावर फाइव तो छोटा होगा ना एन प्लस वन टू द पावर फाइव से, और एन प्लस वन टू द पावर फाइव छोटा होगा एन प्लस टू की पावर फाइव से। तो और इन दोनों को जोड़ दें हम लोग तो क्या हमें ये मिलेगा एन टू द पावर फाइव प्लस रूट एन प्लस वन टू द पावर फाइव लेस देन एन प्लस वन टू द पावर फाइव प्लस एन प्लस टू द पावर फाइव। यस अब इसको वन अपॉन कर दो स्टूडेंट्स, तो वन अपॉन एन टू द पावर फाइव प्लस रूट एन प्लस वन टू द पावर फाइव किससे बड़ा होगा बेटा? वन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर फाइव प्लस एन प्लस टू द पावर फाइव। दिस गिव्स ए एन फिर से बड़ा है किससे बेटा? ए एन प्लस। तो ये प्रमाण काफी है डिक्रीजिंग शो करने के। अब स्टेप टू आपको शो करना है कि लिमिट जीरो आनी चाहिए, वो तो आएगी आएगी, देखो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाओ तो सही है आप ए एन पे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी लगाएंगे अब इस पे तो वो जीरो ही आएगा बेटा। तो क्या ये लेबनीज टेस्ट से कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा? ए एन ओहो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, माइनस प्लस लगाना पड़ेगा बेटा अपने को है ना। थ्री माइनस वन टू द पावर एन ए एन कन्वर्ज राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सब लोगों को है ना। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और अल्टरनेटिंग सीरीज पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आगे भी आपको रीमान इंटीग्रल और ऑरिजिन भी काम आएगा आपको ये बहुत ठीक है। तो आपकी सीरीज है अब ये एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, फिफ्थ एग्जांपल हो गया माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन टू एन। अब आ गया चैलेंज आपके पास, तो इसको डिक्रीजिंग शो करने से पहले ऐसा चेक कर लें बच्चों एक बार कि चेक तो कर लो लिमिट जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लिमिट जीरो नहीं आ रही है ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो है, तो एन प्लस वन अपॉन टू एन और एन को एन से कॉमन लो वन बाय टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर दिस सीरीज क्लियरली जो लिमिट आ रही है इसकी वो जीरो नहीं आ रही है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी माइनस वन टू द पावर एन ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सीरीज डज नॉट कन्वर्ज does not converge by which test? Leibniz test। तो ये सीरीज Leibniz test से बच्चों कन्वर्ज नहीं कर रही, करेक्ट है। तो ये तो थे बच्चों वाले एग्जाम,
अब कुछ बढ़िया वाले एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो पांच एग्जांपल हो गए, छठा एग्जांपल देखो बेटा अभी, ये छठा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सिक्स, सीरीज n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n n प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस के। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपको एक बार ट्राई करना बनता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको ट्राई करते हैं, हम मिलके करते हैं ट्राई, चलो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन हम सब मिलके ट्राई करते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, राइट। तो दिस इज गिवन सीरीज एंड ऑल्टरनेटिंग सीरीज, राइट। तो गिवन सीरीज इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ये बात सबको पता चल गई। तो व्हाट इज द nth टर्म, n प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 which is greater than zero, positive terms भी हैं बेटा इसमें, okay। तो step one हमें show करना है बेटा, we have to show that the sequence an is monotonically decreasing। ये थोड़ी special type की problem है बेटा, हाँ, this is a special type problem, monotonic decreasing, मतलब that is आपने तो अब तक यही देखा था कि mon decreasing कैसे show कर रहा हूँ, कि an को किससे बड़ा दिखा रहा हूँ मैं, an plus one से, for all n belongs to what, natural number, right। तो चलिए बच्चों consider करते हैं, वैसे जो show करते हैं, तो an minus an plus 1 zero से बड़ा आना चाहिए, an है आपका n plus 2 2 to the power n plus 1 minus n plus 3 2 to the power n plus 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, n into 2 to the power n plus 1 plus 5n plus 2 into 2 to the power n plus 1 plus 10 n into 2 to the power n plus 5n minus 3 into 2 to the power n minus 50। ये आएगा आपका बेटा न्यूमिनेटर के अंदर, सॉल्व एलसीएम लेके करा ना मैंने सॉल्व, मल्टीप्लाई किया इसको इससे करो, इसको इससे करो, डिनोमिनेटर को अलग से करो। अब डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी माइनस वाली टर्म नहीं है, हाँ सीधा ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो आप सॉल्व करके देखिएगा अपने घर पे अपने आप से सारे बच्चे, ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो बात बन गई, नहीं आ रहा है तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और ये जीरो से बड़ा आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब बोलोगे सर फर्स्ट टर्म पे तो जीरो से बड़ा नहीं है, एन को वन रखो, जैसे यहां पर न्यूमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में तो माइनस टर्म है ही नहीं ना, न्यूमिनेटर में माइनस टर्म है, एन को वन रखो तो टू टू जा फोर नेगेटिव आ गया, देखो जरा, लेकिन टू रखो फोर टू जा एट पॉजिटिव आ गया। तो बोले सर एक टर्म छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने कहा हाँ बेटा, डिलीटिंग फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ सीरीज, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट है, उसकी एक टर्म हटाने से सीरीज के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज इस बात को आप हमेशा से याद रखिएगा कि कभी भी कोई इनफाइनाइट सीरीज है, अगर उसकी आप एक टर्म हटा देते हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या हमने प्रूव कर दिया कि ए एन बड़ा है सभी टर्म्स के लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। अब सेकेंड स्टेप पे हमें लगाना पड़ेगा लिमिट एंड इनफिनिटी, और वो भी इतना नहीं है, पर यहां पर ये बात लिख लेना, इफ वी डिलीट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, है ना, नेचर ऑफ सीरीज विल नॉट चेंज, नेचर ऑफ सीरीज विल नॉट चेंज, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, अब हमें ए एन करना है। चलिए करते हैं, ये भी कोई आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। n tends to infinity हमारी nth term में n plus 2 upon 2 to the power n 5 which is infinity upon infinity, indeterminate form आ रही है। तो जब भी indeterminate form आती है तो L-Hopital's rule लगाते हैं, लापिताल बोलते हैं वैसे उसको, पर L-Hopital's rule लगाते हैं, numerator को अलग से differentiate करते हैं, denominator को अलग से, तो n का differentiation 1 हो गया और 2 का 0,
और 2 टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हो गया 2 टू द पावर एन लॉग 2, और 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये क्या लगा के आया बेटा, एल हॉस्पिटल्स रूल। ऐसे एस आता है यहाँ पर बट एस इज साइलेंट, तो मैं एस के साथ ही लिख देता हूँ। आपको इन्हें लगे मनीष सर ने क्या लिख दिया, ये एस साइलेंट होता है इसमें। लापिताल भी बोलते हैं इसको, है ना, और एल हॉस्पिटल्स रूल भी बोलते हैं। Which comes out to be zero, ठीक है। Therefore, 3 minus 1 to the power n a n converges by Leibniz। ये सीरीज क्या कर रही है बेटा, कन्वर्ज कर रही है कौन से टेस्ट से, लेबनीज टेस्ट से। तो ये स्पेशल प्रॉब्लम थी आपके लिए बेटा, बहुत स्पेशल प्रॉब्लम। आ जाओ एक और स्पेशल प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या था पिछला हमारा बेटा, पिछली थी हमारा के हमारा छठा एग्जाम्पल था, है ना। अब हम करने जा रहे हैं सातवां एग्जाम्पल। ये भी स्टार प्रॉब्लम है, सातवां एग्जाम्पल भी हमारी स्टार प्रॉब्लम ही है बेटा। तो दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, तो एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम है ना। तो सीरीज कैसी है देख लीजिए आप अपनी आंखों से। एन आपका 2 से इन्फिनिटी है, माइनस 1 टू द पावर एन और लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर। तो पहले तो बताइए ऑल्टरनेट सीरीज है कि नहीं है। यस, अब हमें इसका चेक करना है कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। तो लेबनीज टेस्ट लगाना होता है, तो टू शो हमें क्या शो करना है, सबसे पहले आप सबको पता है सीक्वेंस ए एन इज डिक्रीजिंग। पहले ए एन तो लिख लो, क्या है ए एन, ए एन है बेटा लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख लो एक्स की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में इंस्टेड ऑफ दिस, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ऑन टू से इनफिनिटी, राइट। अब a डैश x कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो log x is 1 माइनस 2 log x अपॉन x स्क्वायर आएगा। आ गया बेटा ये आपके पास। अब a डैश x जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब 1 माइनस 2 log x ही नेगेटिव होगा, और 1 माइनस 2 लॉग एक्स नेगेटिव कब होगा, जब लॉग एक्स हाफ से, और लॉग एक्स हाफ से बड़ा कब होगा, जब एक्स बड़ा होगा ई पर हाफ से। यस, तो इसका मतलब हमारा एक्स तो बिलोंग करता है 2 से इनफिनिटी, राइट। तो वो ई की पार हाफ से बड़ा है, करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब a डैश x नेगेटिव है अगर x 2 से इनफिनिटी में है। बात सच में समझ में आ रही है हमारी, तो क्या लिख दूं कि भाई हमारा जो फंक्शन है ये x वो डिक्रीज कर रहा है, विच इंटरवल 2 से इनफिनिटी। हाँ जी बेटा 2 से इनफिनिटी के अंदर क्या कर रहा है ये डिक्रीज। तो क्या पहली कंडीशन देखो नए तरीके से किया है अभी, क्योंकि पुराने तरीके से होता नहीं है, इसीलिए स्पेशल प्रॉब्लम है ये। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सारा लिया है यहाँ पर। अब हम फिर से सेकंड स्टेप लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी चेक करेंगे बेटा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन विच इज लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लॉग एन अपॉन अ स्क्वायर विच इज इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो जब भी बच्चों इनडिटरमिनेंट फॉर्म आती है आपकी, तो आप क्या करते हो न्यूमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हो, डिनोमिनेटर को अलग करते हो, 1 बाय एन अपॉन 2 बाय लापताल रूल। फिर से अब आप लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाओ, फिर से देखो आंसर 0 आ जाएगा। देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट, फिर से देखो मेरे बेटा लेबनीज टेस्ट से क्या ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। हाँ बेटा लेबनीज टेस्ट से सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर। तो ये तो मैंने आपको कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स कराए बेटा,
इस पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे मतलब 7-8 एग्जाम्पल हो गए हमारे, और इसके मदद से आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब लेकिन इसका प्रूफ भी हमारे कोर्स में, तो प्रूफ भी करना बनता है भाई। तो चलिए जोर शोर से स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ लेबनीज टेस्ट। तो थ्योरम क्या कह रही थी एक बार और फिर से लिख देते हैं। लेबनीज टेस्ट क्या कह रहा था फिर से लिख देते हैं। लेबनीज टेस्ट कह रहा है, लेबनीज टेस्ट कह रहा है लेट सीरीज -1 to the power n-1 an बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। याद है आपको ये बात? हाँ है ना। और सपोज दैट, और क्या कह रहा है बेटा, सपोज दैट फर्स्ट ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सेकेंड तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज जीरो, देन देन दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज। वन ए एन क्या करेगा मेरे बेटा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, ये कन्वर्ज। तो ये थ्योरम है हमारी बेटा, एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो आप सबको बता देता हूँ, इसमें प्रूफ बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा, बड़ा प्रूफ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो ये बताओ इस इसका हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस क्या है भाई, कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है पहली बात तो, दूसरा डिक्रीजिंग है और जीरो है। अगर हाइपोथेसिस सेटिस्फाई होगा तभी तो कंक्लूजन पे पहुंचोगे मेरे बेटा। तो चलो प्रूफ के स्टेप्स बनाते हैं फटाफट, और प्रूफ करते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से प्रूफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ का स्टेप वन, दे वी हैव टू डू इन 4 स्टेप्स। कैसे होगा वो समझते जाइएगा, बहुत अच्छे से कराएंगे। तो किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए पहले आपको लेना पड़ेगा एसओपीएस। तो लेट एस एन बी द एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, एस एन बी द एसओपीएस ऑफ सीरीज एन आपका 1 से इन्फिनिटी है, -1 to the power n-1 an। तो जब एसओपीएस लेना है तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो ये थोड़ी स्मार्टनेस काम आएगी। तो क्योंकि ऑड और इवन टर्म्स है, तो इवन टर्म्स को अलग और ऑड को अलग करके देखते हैं, थोड़ा सा क्या पता मजा आए। तो वी शैल फर्स्ट कंसिडर, वी शैल फर्स्ट कंसिडर द एसओपीएस S2n। पहले इसको कंसिडर करते हैं, व्हाट डू मीन बाय S2n सर। S2 मतलब U1 A1 - A2। S4 ले लेते हैं बेटा, S4 का मतलब होगा A1 - A2 + A3 - A4। तो इवन टर्म्स का एसओपीएस को ले रहे हैं भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो सिर्फ हमने इवन टर्म्स का एसओपीएस ले लिया स्टेप वन के अंदर, ये काम किया। यहां तक क्लियर है सबको, S2n। हाँ बस ये एक क्रैमिंग स्टेप था, याद करना पड़ेगा आपको। अब हम आ गए स्टेप टू पे, हमें ये शो करना है कि ये इवन टर्म्स का एसओपीएस है, ये इंक्रीजिंग होगा। बोलो सर इंक्रीजिंग मैंने, हाँ एसओपीएस को इंक्रीजिंग शो करोगे और बाउंड अबाउट दिखा दोगे तो सीरीज कन्वर्ज करेगी ना भाई, याद करो ना पिछले वाला हिसाब किताब अपना। तो वी हैव टू शो S2n इज इंक्रीजिंग। तो चलिए जी इस पे कार्य करें, शुरू करते हैं। पहले S2n है क्या वो लिख देते हैं। तो U1 - U2 + U3 - U कहाँ से आ गया, A1 सॉरी, इसी को A1 बना देता हूँ मैं। A1 A2 A3 A4 ऐसे प्लस ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में A2n-1 और an आ जाएगा, लास्ट टर्म के साथ माइनस आएगा हमेशा, A2n आएगा। लेट मी करेक्ट एक बार दोबारा साफ साफ, क्योंकि बेटा 2n टर्म्स है ना, तो
पहले 2n से पहले वाली टर्म्स क्या होगी, 2n माइनस वन होगी, इसमें क्या सोचना है, प्लस ए 2n माइनस वन माइनस ए 2n। अब सर आपको कैसे पता चला लास्ट टर्म के साथ माइनस लगेगा? अरे भाई पिछली लाइन देखो ना अभी, इसीलिए तो बताया था माइनस ए टू माइनस ए टू माइनस ए फोर, तो इवन टर्म्स के साथ माइनस आ रहे हैं। अब हमें लिखना है एस टू एन प्लस टू, एस टू एन प्लस टू, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, ठीक है, प्लस ए टू एन माइनस वन माइनस ए टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन माइनस ए टू एन प्लस टू। अब माइनस कर दो दोनों, तो एस टू एन प्लस टू को माइनस कर दिया एस टू एन में से, तो देखो यहां तक का सारा कट गया, आपके पास बच गया ए टू एन प्लस वन माइनस ए टू एन प्लस टू, और ये मेरे बेटा जीरो से बड़ा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस ए एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये तो गिवन है हमें, हमें तो पता है कि ए टू एन प्लस वन जो है हमारी टर्म वो बड़ी है ए टू एन प्लस टू से, तो डिफरेंस जीरो से बड़ा बराबर आएगा, तो बड़ा बराबर आएगा, तो एस टू एन प्लस टू क्या बड़ा बराबर है एस टू एन से? यस, फॉर ऑल एन तो देयर फॉर सीक्वेंस एस टू एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब आपने एस टू एन को मोनोटोनिक इवन टर्म्स के एसओपी को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दिया, और बाउंडेबल दिखाओ अब इसको भाई स्टेप थ्री के अंदर। ओके फिर ऐसे ऑड पे आ जाएंगे धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप थ्री। तो टू शो आपको क्या शो करना है कि एस टू एन इज बाउंडेड अबव, एस टू एन इज बाउंडेड अबव, एस टू एन को आपको बाउंड अबव दिखाना है। हो गया जी, दिखाते हैं कैसे। देखिए एस टू एन क्या है आपका, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री प्लस प्लस ए टू एन माइनस वन माइनस ए टू एन, राइट जी, ये टर्म्स आ गए हमारे पास। ओके अभी अभी हमें पता चला कि हम इनको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए वन को बाहर रखा माइनस कॉमन लिया, ए टू माइनस ए थ्री ऐसे करके माइनस कॉमन लिया, ए टू एन माइनस वन, ओहो बिल्कुल सही। इसे सभी टर्म्स पे करना पड़ेगा ना हम, माइनस ऐसे अब आएगा ए फोर माइनस ए फाइव को ऐसे कर दिया, ऐसे करते जाओगे तो प्लस ए टू एन माइनस टू के साथ भी माइनस बाहर आएगा, ए टू एन माइनस टू के साथ भी माइनस बाहर आएगा माइनस ए टू एन माइनस वन, और लास्ट में टर्म बचेगी ए टू एन, करेक्ट है। देखो बेटा अभी अभी बताया कि सीक्वेंस एस, हाँ टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ए टू बड़ा बराबर होगा ए थ्री से, तो ये जीरो से बड़ा बराबर। अरे एस ओ पी एस तो इंक्रीजिंग है पर टर्म्स तो डिक्रीजिंग है, ए एन इज डिक्रीजिंग ना, तो ये भी जीरो से बड़ा बराबर, ये भी जीरो से बड़ा बराबर, ये भी जीरो से, ये सारे टर्म जीरो से बड़े बराबर है, बताओ ये बात मानते हो नहीं मानते? तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि एस टू एन छोटा बराबर होगा यू वन से? अरे सर एकदम से क्या चक्का मार दिया, ये कहां से आ गया ऐसे? अरे भाई ये सारे टर्म किस में से माइनस हो रही है, आप देखो तो सही, ये सारे टर्म किस में से माइनस हो रही है, ये सारे टर्म माइनस इन भाई साहब में से हो रही है, ए वन माइनस सबके आगे माइनस लगा, अगर माइनस नहीं करूंगा तो ये बाउंड अप होगा ए वन ही तो होगा, इसमें क्या सोचना था? तो एस टू एन इज लेस देन इक्वल टू ए वन, तो देयर फॉर एस टू एन इज बाउंडेड अप। तो देखो मैंने इवन टर्म्स के एसओपीएस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया और बाउंडेड अप। अब मेरा आ गया नेक्स्ट स्टेप, मेरा आ गया अब नेक्स्ट स्टेप, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप नंबर थ्री।
1, 2, 3। अब हमें शो करना है कि S2N एंड S2N+1 इवन और ऑड दोनों कन्वर्ज करेंगे। एक बात बताओ, अभी अभी प्रूव किया कि S2N इज मोनोटोनिकली इंक्रीज एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर कन्वर्जेस, करेक्ट है। तो लेट मान लेते हैं जो हमारा ये S2N है ये कन्वर्ज किसी लिमिट L पे कर रहा है, दैट इज इसकी लिमिट L है, लिमिट N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, S2N इज L। तो अब मुझे बताओ S2N+1 क्या हो? ओके जी, उसमें क्या है? A1 माइनस A2 प्लस डॉट 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 माइनस A2N प्लस A2N+1। यहां से यहां तक का क्या हो गया भाई? यहां से यहां तक S2N+A2N+1। अब इस पे लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो बेटा, देते हैं लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी S2N+1 इज इक्वल टू लिमिट N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2N इज प्लस लिमिट N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A2N+, करेक्ट। और ये तो जीरो होगा और ये L होगा। बोला सर ये जीरो कैसे होगा ये बता दो। अरे भाई आपकी स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या था आपका? कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जीरो होना चाहिए, तो ए एन प्लस वन भी जीरो होगा, तो 2N+1 भी जीरो होगा। तो इसका मतलब S2N+1 की लिमिट भी क्या आ गई बेटा? एल आ गई। हाँ जी, इसका मतलब हमने यहाँ शो कर दिया कि S2N+1 कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एल पे। तो इसका मतलब अगर इवन SOPS एल पे जा रहा है, ऑड वाला SOPS भी एल पे जा रहा है, तो फाइनली इन द लास्ट स्टेप क्या हम ये बता दें कि ऑड और इवन एल पे जा रहा है तो हमारा SN भी एल पे जाएगा भाई। तो दैट इज स्टेप 5। तो हम बोल रहे हैं कि भाई S2N, हम ये तो बता ही रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई S2N कन्वर्ज कर रहा है एल पे, है ना? S2N कन्वर्ज कर रहा है एल, और S2N+1 भी कन्वर्ज कर रहा है, तो दिस विल इंप्लाइज कि SOPS SN भी कन्वर्ज कहाँ करेगा? एल पे। अगर इफ SOPS कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी क्या करेगी मेरे बेटा? इफ SOPS कन्वर्जेस सीरीज आल्सो कन्वर्ज। आप इसमें यहाँ स्टेप 5 में कई टीचर बहुत बड़ा बड़ा भी दिखाते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा के, वो सब की जरूरत नहीं है। अगर एस इवन टर्म्स एल पे जा रही है, ऑड एल पे जा रही है, तो SN भी सारे टर्म्स कहाँ जा रही है? एल पे ही जा रही है। तो अगर SOPS कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी स्टूडेंट्स। ये थी आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। हाँ जी, ऑल्टरनेटिंग सीरीज में मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, इसका प्रूफ कराया, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज से एक क्वेश्चन या थ्योरम का प्रूफ जरूर आएगा, ये बात याद रखिएगा, हमेशा हर पेपर में रहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी स्टूडेंट्स, उसमें आर्बिट्री सीरीज होगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, आर्बिट्री सीरीज, जिसमें हम लोग सीरीज का कंडीशनल कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।